नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं नेहा बंसल, द स्टार न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज की खास खबर। मैदान में लेडीज का, वुमेन्स का ट्रिपल तलाक के अपोज पे जो प्रोटेस्ट था वो कोई इस्तेमा नहीं था, या वो किसी पर्सनल किसी फाउंडेशन का रखा हुआ कोई प्राइवेट सेक्टर का कोई प्रोग्राम नहीं था। वो एक प्रोटेस्ट था जो हम मुस्लिम लेडीज कर रहे थे ट्रिपल तलाक के बिल के अगेंस्ट में। मैं जब वहाँ पे पहुंची तो अबू हाशिम आजमी, उसके साथ में फरीद शेख और नवाब नाम का एक बंदा, इसने मेरे साथ सीधे सीधे आकर सीने पे ऐसा जोर से धक्का दिया। और इस चीज को जो है हमने रिकॉर्ड करने की कोशिश की तो एक छोटी सी बाइट आई थी हमारे पास में, जिसमें उस आदमी का आधा फेस दिख रहा था। तो मैंने फेसबुक पे पोस्ट किया कि जो इस आदमी का पता बताएगा उसको 50,000 रुपए का इनाम। तो मैं आपको बता दूं कि एक आदमी 50,000 रुपए का इनाम जीत चुका। और कल जब मैं उसकी दुकान पे पहुंची, और पहुंचने का रीजन ये था कि जो मुझे डी कंपनी के एक्सटॉर्शन के कॉल आ रहे थे, वो शाहजी करके जो बंदा है वो मुझे मेंशन कर रहा है कि ये जो ग्रीन शर्ट वाला नवाब जो है वो उसका बंदा है, और मैं 50 पिटी तैयार करूँ देने के लिए उसको। तो कल जब मैं उसकी दुकान पे गई पूछने के लिए कि हुई नवाब, तो उसका कोई वर्कर था, उसने बोला नवाब हमारा बॉस है, हम बुलाते हैं उसको। वो बुलाने के लिए पहले बोला, फिर बोलता है कि 5 मिनट के बाद में कि वो थाना की रैली में, उसके 5 मिनट के बाद में वो कम से कम एक 25-30 जो भीख मांगने वाली औरतें होती है रोड पर, उनको 100-100 रुपए मेरे ख्याल से दिया होगा, जो 25-30 औरतें वो लेकर सीधा मेरी गाड़ी के पास अटैक करने आया। मैं मेरी गाड़ी के अंदर बैठी हुई थी, वहाँ पे महिला PSIs थी, जो लेडीज ऑफिसर्स थी, वो लोग ने इमीडिएटली प्रोटेक्ट किया और उसको उठा के नवाब को पुलिस जीप में बिठा के बम्बई के, वो लोग अपने आप को डॉन समझते हैं और वो लोग बोलते हैं कि दाऊद इब्राहिम का जो पैसे का कलेक्शन है वो फरीद शेख और ये नवाब करते हैं। ये फरीद शेख के साथ में आप देखेंगे, फरीद शेख के फेसबुक के प्रोफाइल पे जाइए आप, इसके फेसबुक के प्रोफाइल पे आप देखेंगे ज़्यादातर IPS दिखेंगे आपको, IAS दिखेंगे, मिनिस्टर्स के साथ फोटो दिखेंगी। ये जो है मुझे अभी हमारे सूत्रों से जो पता चला है फ्रॉम द सोर्सेस कि ये फरीद शेख जो है ये एक्चुअली जिस भी इंसान से कनेक्टिविटी में रहता है, जो ऑफिसर से कनेक्टिविटी में है, वो उस ऑफिसर के लिए कलेक्शन की रिकवरी करता है। और यहाँ तक का मुंबई पुलिस कमिश्नर की और उसकी दोस्ती अच्छी है, ये बात उसने मुझे वहाँ पुलिस स्टेशन में साबित कर दिया, क्योंकि उस ऑफिसर का नाम क्या था पुलिस स्टेशन का नाम, MRA पुलिस स्टेशन में हम जब गए तो पहले ही उसने दुकान पे बोल दिया था कि हमारी सीनियर से बहुत अच्छी है। आप मेरे कल का लाइव वीडियो देखिएगा, पहला वीडियो जिसमें मैंने कोई गाली नहीं दी है और बोला है कि ये बता रहा है कि हमारी सीनियर से अच्छी मतलब सीनियर को इतना सेक्शन जाता है कि वो एरिया में ये लोग कुछ भी करे, कॉपीराइट्स का काम चालू है, पूरी जितनी भी बैग की दुकानें हैं वो बैग की दुकानों के अंदर आप पत्रकार हो, खाली एक विजिट करके देखना कॉपीराइट का क्या क्या काम आपको मिलेगा। फर्स्ट कॉपी वहाँ पे मिलेगी जिसका सेक्शन जो है उस पुलिस स्टेशन के सीनियर को मिलता है, और उसको 16 लाख रुपए सेक्शन जाता है। ये भी मेरे पास आज ऑन पेपर रिकॉर्ड आ गया कि कौन से दुकान से, कौन से जगह से, कौन से सेक्शन से उस ऑफिसर को इतना पैसा जाता है। अच्छा, मेरे ऊपर जो धक्कम धुक्की की गई उसमें अबू हाशिम आजमी आकर मेरे आंख पर गिरे, उसके बाद में शाम को मुझे फोन करके बोलते हैं कि शबनम जी इस बात को छोड़ दीजिए, दफन करें, कौम की बात है, मैं ट्रिपल तलाक के बिल के अपोज में अभी भी हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी मर्द आए और मेरी आंख पे आके गिरे और मैं उसको छोड़ दूँ। तो वो जानते नहीं है, अभी मेरे फोन में जो रिकॉर्डिंग है मैं आपको सेंड कर देती हूँ, कि वो जानते नहीं है। वो अच्छा हुआ उन्होंने बात बताई कि वो जानते नहीं है, तो मतलब वो मुझे लग रहा था कि वो धक्कम धुक्की में मेरे ऊपर गिरे, नहीं तो बुड्ढा चांस मारने आके गिरा था मेरे ऊपर, इसका मतलब है ना। अबू हाशिम आजमी जानते नहीं हो तुम मेरे को, अरे ऐसी चांस मारने के लिए आके गिरे थे। अरे तुम लोग को शर्म आना चाहिए, औरतों के प्रोटेस्ट के अंदर तुम ये 100-150 मर्द अंदर करके आ रहे थे, तुम्हारा काम क्या था अंदर, तुमको किसने बोला था अंदर रहने के लिए? नहीं, इसके आगे मैंने किसी से बात नहीं की, क्योंकि मुझे जहां कंप्लेन करना था, जैसे मुझे पता चला कि फरीद शेख के ताल्लुकात जो है हमारे CP साहब से बहुत अच्छे हैं, और मुझे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है ऐसी मिली है जो मुझे डिपार्टमेंट की तरफ देखते हुए मुझे प्रश्न मार्क आ गया कि डिपार्टमेंट में कोई अगर खबरीगिरी करता है तो वो खबरी डिपार्टमेंट के लिए कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है, और वही खबरी जो उनके लिए खबरीगिरी कर रहा है वो दाऊद का कलेक्शन करता है। यस, मैंने कार्रवाई की है, आज मेरी जो बात हुई है श्री विद्यासागर राव जी के PA यानी कि हमारे महाराष्ट्र के जो गवर्नर है, मैंने उनको ये पूरा वाक्य, ये 387 का FIR जो दाऊद डी कंपनी और छोटा शकील के ऊपर बना था, और इसमें अभी तक 9 लोग अरेस्ट हुए, और मैं ये चीज को क्लियर कर दूं आज पब्लिक को, जुबैर खान को अंदर हुए 1.5 महीने हो गए हैं, 1.5 महीने से वो अंदर था, तो मैं सुकून से थी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं चालू था।
अब ये जो लेडीज प्रोटेस्ट में जो ड्रामा किया गया, मुझे बाकायदा एक्सटॉर्शनर मैसेज करके बोलते हैं कि ये ट्रेलर कैसा लगा, ये ट्रेलर था उनका मुझे, और मुझे इतने बड़े बड़े मैसेज उन्होंने भेजे कि वो मुझे किस तरह गोली मारेंगे, मेरा जनाजा किसी को नसीब नहीं होने देंगे। ये सारे स्क्रीनशॉट मार के मैंने जो मेरे केस का इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है एंटी एक्सटॉर्शन सेल से एपीआई सुरवे, मैं उनको ये चीज को इंटीमेट कर चुकी हूँ और मैं कमिश्नर साहब को इमीडिएट ये चीज को इंटीमेट कर चुकी हूँ कि ये मैसेजेस मुझे आ रहे हैं। अब इसके ऊपर एक्शन कितना लेट लिया जाएगा वो देखा जाएगा। फिल्म, क्राइम, राजनीति और धर्म से जुड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए द स्टार न्यूज़।